हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में टूट गया मोदी के खिलाफ महागठबंधन। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान किया। लालू के समधी चंद्रिका राय भी जेडीयू में शामिल हो गए। चंद्रिका राय के खिलाफ तेज प्रताप ने खोल रखा था मोर्चा। लखनऊ में आज विधानसभा सत्र शुरू हुआ। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले मंत्रियों की याद में मौन रखा गया। लखनऊ विधानसभा के बाहर आज समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। एसपी विधायकों का आरोप, योगी सरकार के राज में नौकरियां खत्म हो गई। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, योगी बाबा मस्त है। यूपी के आगरा में जूनियर डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या में खुलासा। पुलिस का दावा, आरोपी भी साथी डॉक्टर है, करता था परेशान फिर हत्या की। आगरा में बस हाईजैक करने का आरोपी बदमाश मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हुआ। वसूली के लिए यात्रियों के साथ बस हाईजैक की थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना संक्रमित हुए। 52 साल के शेखावत जोधपुर से सांसद हैं। कुछ दिन पहले कई कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने कहा, जनमत सर्वे में 62% लोग बोले यहां चुनाव लड़े आप। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अब युवाओं को परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। केंद्र की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की परीक्षा के नंबर के आधार पर अब मिल सकेगी राज्य में नौकरी। पीएम मोदी की धोनी के नाम चिट्ठी। मोदी ने लिखा, आपके रिटायरमेंट से 130 करोड़ भारतीय निराश हुए। धोनी ने भी पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। राहुल गांधी बोले, मैं जब कहता था कि कोरोना की वजह से देश में नौकरियां छिनेंगी तब लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन बेरोजगारी अभी और बढ़ेगी। राजस्थान में गहलोत सरकार ने शुरू की इंदिरा रसोई योजना। इस योजना में 8 रुपए में गरीबों को मिलेगा भरपेट खाना। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान। मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ, 40 महीने में तैयार होगा। मंदिर बनाने में लोहे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत को दी परमाणु हमले की धमकी। और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। भारत के साथ तकरार के बीच चीन के विदेश मंत्री का तिब्बत में एलएसी के पास गुपचुप दौरा हुआ। विदेश मंत्री वांग यी जिनपिंग के बेहद करीबी हैं।